नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे अर्बन लीजेंड की कहानी लेकर आ गया हूं जो शायद अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, जिसके बारे में शायद अब तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह के अर्बन लीजेंड्स के बारे में तो बहुत बार सुने होंगे ना, जैसे ब्लडी मैरी, बेबी ब्लू, चार्ली, ऐसे तरह तरह के गेम्स और अर्बन लीजेंड के बारे में आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। लेकिन आज का ये जो किस्सा है जिसका नाम है हनाफुसान, जो इतना ज्यादा खौफनाक किस्सा है दोस्तों, विश्वास मानो सारे अर्बन लीजेंड्स इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि जब ये अर्बन लीजेंड का किस्सा इस दुनिया के सामने आया था, तब उस समय इस अर्बन लीजेंड के किस्से के साथ कई ऐसे वाक्या सामने आए थे जो कि सीधे सीधे एक मिस्ट्री से जुड़ गए थे। एक ऐसी मिस्ट्री जो सीधे सीधे रिलेट कर रही थी इस हनाफुसान के अर्बन लीजेंड के साथ। दोस्तों, ये अर्बन लीजेंड कहीं और का नहीं बल्कि जापान का है, और ये दिखने में इतनी ज्यादा मासूम और इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है, इसे देखकर आप कभी सोच ही नहीं सकते कि अगर वो आपके सामने आ गई तो आपके चिथड़े चिथड़े कर सकती है। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये बात है जापान के एक छोटे से शहर की, जहां पर विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान एक गर्ल्स वॉशरूम में, एक स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में तीसरे नंबर के दरवाजे के अंदर एक लड़की मृत पाई गई थी, जो लड़की बहुत ही छोटी और बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी दिखने में थी। वो लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो लड़की जब पैदा हुई थी, जब से उसने अपने होश संभाले थे, तब से वो बस यही सब लोगों को कहती थी कि मैं बड़े होकर अच्छा नाम कमाना चाहती हूँ, मैं इतने पैसे कमाना चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं। उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। लेकिन जब वो बच्ची तकरीबन 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तब एक दिन गर्ल्स वॉशरूम के 3rd दरवाजे के अंदर उसकी लाश पाई गई। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों ने यह कहा कि विश्व युद्ध के कारण किसी लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए उस बच्चे के साथ ये हरकत कर दी, तो वहीं पर कुछ लोगों का यह कहना हुआ कि किसी साइको किलर ने उसकी हत्या कर दी। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि कोई जानवर आ गया होगा, तो वहीं पर कई बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये काम किसी शैतान का है, क्योंकि वो जो डेड बॉडी थी ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। दरअसल उसमें ऐसी खरोचों के निशान थे जो कि किसी भी तरह से इंसान के नहीं हो सकते थे। ऐसी चोटों के निशान थे जो चाहते हुए भी इंसान किसी इंसान को दे ही नहीं सकता। इंसान पता है बहुत ही दरिंदगी पार कर चुका है, लेकिन वो कुछ और ही था। ये किस्से को कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद सन 1980 के समय एक गेम बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। इस बच्ची का नाम, जो बच्ची दरअसल मरी थी ना, इसका नाम था हनाफुसान। उसके बाद जापान के छोटे छोटे स्कूलों में, पता नहीं ये ट्रेंड कहां से निकल गया 1980 के टाइम में, कि जो स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां थी, गर्ल्स वॉशरूम के तीसरे दरवाजे में जाके 3 बार नॉक करती थी और कहती थी, हनाफुसान क्या तुम यहां पर हो, हनाफुसान क्या तुम यहां पर हो, हनाफुसान क्या तुम यहां पर हो। और जैसे 3री बार वो लोग बोलती थी तो अंदर से आवाज आती थी, हाँ मैं यहीं पर हूं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गेम होता था, अगर किसी ने भी इस गेम को आगे कंटिन्यू किया, यानी कि किसी ने भी उस बच्ची को देखने के लिए उसका दरवाजा खोला, तो अंदर जाते से ही वो लड़की बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती थी। एकदम छोटी सी, मासूम, प्यारी सी बच्ची, जिसके छोटे छोटे बाल है और स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए रहती है। और जब उससे बात करने की कोशिश करो तो वो लड़की देखते ही देखते शैतान में तब्दील हो जाती है, और तुरंत से शैतान में तब्दील होने के बाद वो 3 सर वाली छिपकली में तब्दील होकर सामने वाले बच्चे के चिथड़े चिथड़े कर देती है और उसे खा जाती है। ये किस्सा जापान के छोटे छोटे शहरों के स्कूलों से कई बार सामने आया कि बहुत सारे बच्चों की संदिग्ध तरह से मौत हो रही है, जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि आखिर उन बच्चों को मार कौन रहा है।
उसके बाद ही ये सभी लोगों ने मान लिया कि मानो या ना मानो, हानागो सान की आत्मा शायद सचमुच में आज भी अपने इंसाफ के लिए आती है, और वो एक भटकने के कारण प्रेत बन चुकी है, और इसी वजह से उसको परेशान करने के लिए जो कोई भी आता है वो सबको उसी तरह से मार डालती है जिस तरह से उसको मारा गया था। या फिर सच्चाई कुछ और है, हमें नहीं पता। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की कहानी थोड़ी अलग और मजेदार लगी होगी। उम्मीद है मेरे ऐसे वीडियोस से आपको ऐसी जानकारी मिल रही है जो शायद आपको कोई और नहीं देता होगा, क्योंकि किसी किसी लोगों को पता है डरना भी जरूरी है। दोस्तों अगर मन में कुछ भी बात आती है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करके आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, या फिर कई बार आप अटक जाते हैं पैरानॉर्मल दुनिया से, तो वो चीज वो टॉपिक आप मुझे कहीं पर मेरे इंस्टाग्राम पर यानी कि लिखकर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टा में पहुंच जाओगे। और मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबा देना, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप लोगों को रेगुलरली देता रहता हूं। रेगुलरली गारंटी देता हूं शायद कोई और नहीं देता होगा पूरे YouTube में। दोस्तों अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले, शायद मैं कोई हॉरर जगह में जाके व्लॉग्स भी बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और बस मजे उठाते रहो डेली एक खौफनाक हॉरर वीडियो और हॉरर जानकारी के साथ। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।